बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 8 पावर 3x + 8 पावर x = 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे 8 पावर 3x + 8 पावर x = 10। फिर क्या करेंगे, हमें एक रूल के बताए पावर m n वो बराबर होता है a पावर n होल पावर m के, तो इनको भी इस तरह करेंगे। यहाँ जाएगा 8 पावर x होल पावर 3 + 8 पावर x = 10। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे किसको, 8 पावर x को किसके बराबर, k के बराबर। तो यहाँ जाएगा, इनकी जगह जाए k पावर 3 + k = 10। फिर क्या करेंगे, यहाँ k पावर 3 + k 10 को इस साइड पर लाएंगे, -10 = 0। फिर क्या करेंगे, k पावर 3 ये प्लस के नहीं, इनको लिख देंगे -4k + 5k। इनसे दोबारा क्या आता है, -10 = 0। फिर क्या करेंगे, इन दोनों से k को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा k² - 4 + इनसे 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा k - 2 = 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे के, इनको लिख देंगे k² - 4 को लिख देंगे 2² + 5 ब्रैकेट में k - 2 = 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे के, इनको लिख देंगे k - 2 k + 2 फार्मूला के मुताबिक +5 ब्रैकेट में k - 2 = 0। फिर क्या करेंगे, k - 2 k - 2 ये सेम है, इनको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा k ब्रैकेट में k + 2 + 5 = 0। तो यहाँ जाएगा k - 2, यहाँ k² इनसे +2k + 5 = 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक आ जाएगा k - 2 = 0, जबकि दूसरा k² + 2k + 5 = 0। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें a किसके बराबर, 1k, b, 2k, c, 5k। फिर क्या करेंगे, इनको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में फुट करेंगे, वो क्या है, वो है b² - 4ac। तो यहाँ बी किसके बराबर है, 2k, तो b² 4 आ जाएगा, यहाँ इनसे -20, तो यहाँ जाएगा -16 से 0 ग्रेटर है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको रिजेक्ट करेंगे, ये रियल सॉल्यूशन नहीं आता। अब क्या करेंगे, ये -2 नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे, तो k = 2। फिर क्या करेंगे, k को हमने किसके बराबर लिया था, इनको हमने 8 पावर x के बराबर = 2। 2 के ऊपर कोई पावर नहीं, फिर यहाँ 8 की जगह लिख देंगे 3 पावर x आ जाएगा, 2 यहाँ कोई पावर नहीं, 1 लिख देंगे। फिर हमें एक रूल का पता है, वो क्या है, इन दोनों का बेस सेम है, a पावर m = a पावर n, वो बराबर होता है m = n के। तो यहाँ जाएगा इस रूल के मुताबिक 3x = 1। फिर दोनों साइड को 3 पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी x = 1/3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चेक करेंगे, ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये करेक्ट है या रॉन्ग,
तो उनके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को ले लेंगे टू चेक, चेक करेंगे गिवन इक्वेशन को ले लेंगे, वो क्या है, वो है 8 पावर 3x प्लस 8x इज इक्वल टू 10। फिर क्या करेंगे, यहाँ 8 पावर 3x की जगह 1/3 प्लस इधर भी एक्स की जगह 1/3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 8 प्लस 8 की जगह लिख देंगे 2 पावर 3 और यहाँ ये 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 लिख देंगे पावर में इज इक्वल टू 10। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ इनसे भी 10 आता है इज इक्वल टू 10, यानी एक्स की जो वैल्यू हमने पॉइंट की है 1/3 वो करेक्ट है, इसको हमने चेक कर